जय सियाराम, जय श्री सीताराम। मित्रों, आज हम श्री सुंदरकांड का 16वां दोहा आपको बता रहे हैं। तो 16वें दोहे को जानने से पहले हम थोड़ा सा प्रसंग जान लेते हैं ताकि हमें 16वां दोहा प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो प्रसंग ये चल रहा था कि सीता मैया को हनुमान जी महाराज विश्वास दिला रहे हैं कि आप भरोसा रखिए, अब राम जी को पता चल गया है, ठीक है, जो रघुवीर होत सुधिपाई करते नहीं विलम्ब रघुराई। यदि भगवान राम जी को आपकी सुधि मतलब पता चल गया होता कि आप कहाँ हैं, तो करते नहीं विलंब रघुराई। रघुराई मतलब श्री राम राजा सरकार विलंब नहीं करते आपको लेवा जाने में, ठीक है ना। फिर हनुमान जी महाराज ऐसा भी कहते हैं कि अब ही मातु में जाऊं लबाई, ठीक है ना, मतलब मैं अभी आपको लेवा जाने में सक्षम हूं, है ना, तो ऐसा कहते हैं। और सीता मैया को फिर भी संदेह रहता है कि कैसे इतनी राक्षसी सेना हरा पाएंगे राम जी, तो बानरों की सेना में, है ना। राम जी पे ऐसा नहीं है कि सीता मैया को भरोसा नहीं था, भरोसा था, बट सेना जो थी बहुत भयंकर राक्षसी सेना थी, उसका सामना कैसे करेंगे। तो हनुमान जी महाराज फिर बताते हैं 16वें दोहे में क्या कहते हैं कि सुन माता साखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु व्याल। अर्थात सुन माता साखा मृग, हे माता आप सुनिए, साखा मृग मतलब होता है बानर बंदर, साखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, बंदरों में ज्यादा बल और बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु प्रताप ते गरुण ही, लेकिन प्रभु के प्रताप से जहां पर प्रभु की कृपा हो जाए तो छोटा सा सांप भी बड़े गरुण को खा सकता है, ठीक है ना। अर्थात कम शक्तिशाली एक महान शक्तिशाली व्यक्ति को हरा सकता है जहां प्रभु की कृपा होगी। तो यही 16वें दोहे का अर्थ है, ऐसा हनुमान जी महाराज सीता मैया को बताते हैं। तो सीता मैया को थोड़ा सा भरोसा होता है और वो खुश हो जाती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं। आगे का अर्थ हम 17वें दोहे में समझेंगे, तब तक के लिए जय सियाराम, जय श्री सीताराम। मित्रों,